hello everybody good morning to all of you my dearest parents learners viewers and good wishes again I'm greeting you good morning to all of you and today's I'm going to discuss about a burning topic which held earlier today's and which is very beneficial for you to know that our government has increased. गवर्नमेंट हैज़ टेकिन द स्टेप्स टू गो टूवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यू कैन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पी पी मॉडल्स तो जिस तरह से सरकार हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे निकाय हैं बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस सेक्टरों में सरकार पी 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 मॉडल को लागू कर चुकी है उसको दूसरे रूप में हम लोग निजीकरण का संज्ञा दे रहे हैं प्राइवेटलाइजेशन का विचार रख रहे हैं अभी अभी हमने देखा दो दिन पहले जैसा कि सत्ताईस और अट्ठाईस अगस्त को भारत में जिस तरह से जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था स्टॉक एक्सचेंज पे एक स्पेशल आप कह सकते हैं पार्टिकुलर आप कह सकते हैं एक विंडोज़ का निर्माण किया जहाँ पर सरकार अपनी एच एल में पंद्रह परसेंट अपनी हिस्सा को बेच देती है और वो एक ऐसी कंपनी की आज चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत का पहला जो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस था भारत को सबसे पहला स्वदेशी विमान को दिया लड़ाकू विमान को दिया दिया जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत में पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी जिसको एल सी एच के नाम से जाना जाता है यानी फर्स्ट लड़ाकू विमान तथा फर्स्ट लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिन्होंने भारत के डिफेंस को भारत की सैन्य अकादमी को एक आपका सुदृढ़ीकरण एक प्लान वे में एक इनक्रेजमेंट के रूप में जिस तरह से इनकी योगदान रही है उसमें भी सरकार ने अपने हिस्सा का पंद्रह परसेंट अंततः बेच देती है जिसका नाम है एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होती है एच ए एल एक ऐसी कंपनी है जिसे 2007 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ इसमें भारत सरकार की जो टोटल आप शेयर कह सकते हैं उसमें भारत सरकार की 89.93% परसेंट है लगभग 90% परसेंट आप कह सकते हैं एच एल में भारत सरकार के लगभग 90% परसेंट एटी परसेंट भारत सरकार की शेयर है एच एल जो है सबसे पहले याद रखें कि एच एल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिसकी जो ट्रेडिंग होता है जो ये व्यापार करता है जो इनकी बिजनेस होती है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के तहत कार्य करता है एंड ये इंडस्ट्री एरोस्पेस तथा डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आप कह सकते, मेकन, सकते हैं गुड्स होते हैं मैकेन मैकेनिक थिंग्स होते हैं जैसे आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर तथा ये सारे चीज़ों की जो रख रखाव होती है मैनेजमेंट होती है एक सही वे में स्ट्रक्चर प्रोग्राम जो बनाया जाता है ये सारे चीज़ों का कार्य करने का, का जो आप कह सकते हैं दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे एच एल को दिया गया है जिसकी स्थापना 1940 ईस्वी में 1940 में किया गया था उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसको उस समय नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लेकिन 1964 में 1964 में इसके नाम में बदलाव किए गए और नाम में बदलाव करके इसका पूरा नाम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इट्स हेडक्वार्ट इन बेंगलोर कर्नाटका जिसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है एच एल जो भारत की यदि हम कह सकते हैं उपग्रह जो प्रक्षेपण यान जितने भी बनाए गए सैटेलाइट जितने भी बनाया गया है चाहे हम पी की बात करें जी की बात करें आई की बात करें इंसेट की बात करें तो भारत के जितने भी प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण हुए वे सारे प्रक्षेपण कार्यों में उनके निर्माणों में सबसे बहुत बड़ी यदि हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन हुआ है बहुत बड़ी यदि योगदान हुआ है तो उसमें योगदान देने वाला भारत का प्रथम यदि पब्लिक इंटरप्राइजेज है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है तो उसका नाम आता है एच के रूप में आता है अभी तक पूरे देश में आप देखिएगा तो पूरे भारत में एच का सोलह प्रोडक्शन या प्रोडक्ट यूनिट्स कार्य कर रही है तथा नाइन इसके जो है आप देख सकते हैं कि नाइन इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी भारत में कार्य कर रहा है अब प्रश्न होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को अपनी हिस्सेदारी का पंद्रह परसेंट स्टेक्स को सेल करना पड़ा और यह सेल किस आधार पे हुई है तो सबसे पहले मैं इसकी मार्केटिंग की बात कर देता हूँ उसके बाद मैं चर्चा करूँगा कि सरकार ने किस आधार पे इसको सेल को मतलब एच ए एल के जो सरकार की जो रकम था यानी शेयर था उसको सरकार किस आधार पर बेचा तो यदि हम मार्केटिंग की बात कर लें तो 2020 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था एच ए एल का वह इक्कीस हजार पाँच सौ बाईस पॉइंट जीरो सेवन करोड़ था जो अमेरिकन डॉलर में थ्री बिलियन डॉलर होता है दो हजार बीस में यदि आप इसका ऑपरेटिंग इनकम देखिएगा तो दो हजार बीस का इसका ऑपरेटिंग इनकम है तीन हजार नौ सौ साठ पॉइंट फाइव सेवन करोड़ तीन हजार यानी उनचालीस सौ साठ प्लस पॉइंट फाइव सेवन करोड़ जो अमेरिकन डॉलर में आप देखेंगे तो दो में इसको पाँच सौ साठ मिलियन हो जाता है नेट इनकम की हम बात करते हैं 2020 में इसका जो नेट इनकम है 28500 हजार पाँच यानी टू एट फाइव सेवन पॉइंट जीरो टू करोड़ जो अमेरिकन डॉलर का 400 मिलियन हो जाता है यदि हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं टोटल कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी है तिरपन हजार एक सौ बीस पॉइंट चार नौ करोड़ टोटल एसेट्स तिरपन हज़ार एक सौ भी यानी फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव फोर नाइन करोर जो अमेरिकन डॉलर में वन पॉइंट नाइन सिक्स बिलियन हो जाता सॉरी वन पॉइंट नाइन बिलियन हो जाता है उस आधार पे देखिएगा नहीं आई नहीं, थिंक तिरपन हज़ार है तो आई थिंक सेवन पॉइंट फोर बिलियन हो जाएगा सॉरी सेवन पॉइंट फोर बिलियन इसका हो जाता है यदि इसका टोटल इक्विटी की आप बात करें तो इसकी जो टोटल इक्विटी है वह है तेरह हज़ार दो सौ पंद्रह पॉइंट वन टू करोड़ जो अमेरिकन डॉलर में ना मतलब वन पॉइंट नाइन बिलियन हो जाता है तो ओवरऑल यदि सभी पार्टों को देखें तो सारे चीज़ों में एच ए एल की जो बेनिफिशियरी है जो इनकी एक्टिविटीज़ है इनकी जो ट्रेडिंग है इंडस्ट्रियल जो परफॉर्मेंस है इस कोरोना काल में भी अच्छी रही लेकिन एक कोरोना काल में जिस तरह से लेबरर्स आप कह सकते हैं का एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ा जिस तरह से प्रोडक्शंस बहुत अच्छे से नहीं हुए मार्केटिंग अच्छा नहीं हुआ तो ये मानते हैं कि एक समस्या हुई होगी लेकिन अभी सरकार के पास एच एल में भारत सरकार की जो ऑनरशिप है वह एट्टी नाइन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट है यानी लगभग नब्बे परसेंट की हम बात करें एटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन मतलब लगभग नब्बे परसेंट इसमें शेयर है ये नब्बे परसेंट मतलब नाइन एटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट में से भारत सरकार जो है पंद्रह परसेंट जो शेयर है उसको वो सेल कर रही है और सेल करने से लगभग भारत सरकार को पाँच करोड़ रुपया का मिलने का इसकी संभावना आती है यानी यदि पंद्रह परसेंट सरकार सेल करती है और जो सेल करेगी वो ओ एफ एस के आधार पर करेगी ऑफर फॉर सेल के आधार पर करेगी अब हम आपको बताएंगे ओ एफ एस होता क्या है तो भारत सरकार इसमें पंद्रह परसेंट ओ एफ एस के आधार पर सेल कर रही है जिसमें भारत सरकार को जो अमाउंट मिलने का जो आप कह सकते हैं संभावना है जो पॉसिबिलिटी है वह पाँच हज़ार बीस करोड़ मिलने की संभावना है ये बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारे चैनल्स में आप देखिएगा डिफरेंट इसका कोई चार हज़ार करोड़ रहे हैं कोई पाँच हज़ार करोड़ रहे हैं कहीं पाँच हज़ार बीस करोड़ हो रहा है ठीक है तो एक्चुअली गवर्नमेंट की जो डेटा है पाँच हज़ार बीस करोड़ की संभावना दर्शाया गया है मैं वो बता रहा हूँ और साथ ही साथ इसमें सेवन परसेंट इस, इस कंपनी में मतलब टोटल जो इसमें है इसमें इस कंपनी में सात परसेंट का जो शेयर है वो एल आई सी के पास है यानी ओवरऑल यदि सरकार इसको बेच देती है सात परसेंट उधर और पंद्रह परसेंट इधर तो मोटा मोटी सरकार के पास कंपनी बेचती है तो मोटा मोटी एच एल के पास लगभग एट्टी परसेंट शेयर गवर्नमेंट का बच जाता है पहली बात अब बात होता है कि जो सरकार सेल कर रही है वो ओ एफ एस के आधार पर बेच रही है वो ओ एफ एस है क्या तो जिस तरह से आईपीओ के आप नाम सुने होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर ठीक आई की ही तरह आप कह सकते ओ ओएफएस जो भी है वो भी एक जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप होते हैं उनको सुनिश्चित करता है कि वे अपने पार्टनरशिप के अपने शेयर को वो उस रूप में बेच सके अब ओ एफ एस एक्चुअली एस्टेंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल यह बेचने के लिए एक ऑफर प्रोवाइड करती है आई के अलावे आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हासिल करने का यह एक सबसे बढ़िया नज़र तरीका आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया विधि आप कह सकते हैं जिसका उपयोग शेयर मार्केट जो लिस्टेड कंपनियां होती है तो जितने भी शेयर मार्केट के लिस्टेड जो कंपनियां होते हैं उनके जो प्रोमोटर्स होते हैं को अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके नियमों के मुताबिक उसके नियमों के अधीन आप कह सकते हैं जो भी कंपनियां ओ जारी करता है यानी ऑफर फॉर सेल फॉर्म को यदि वो जारी करन, करता है या जारी करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इशू के मतलब जो वो इस नोटिस को जारी करता है उस नोटिस को इशू करने के दो दिन पहले इसकी जो सूचना होती है उसे सेबी के साथ साथ भारत के दो स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उसे देना अति आवश्यक होता है और जो लोग या जो कंपनी इस शेयर को खरीदना चाहता है या खरीदने की इच्छा जाहिर करता है वो किसी भी कीमत पर इस शेयर को ख़रीद सकता है और ख़रीदना चाहता भी है तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को अवेलेबल कराना पड़ता है ये जिम्मेवारी होता है सबसे पहला और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें डाक का बुलवल होता है डाक बोला जाता है डाक बुलाने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे क्रेडिट का काउंटिंग किया जाता है टोटल कितने क्रेडिट हुए किस फेवर में कितने क्रेडिट्स हुए और उस आधार पर आप कह सकते हैं कि फाइनली सरकार या जो भी इसके आप प्रोमोटर्स कर सकते हैं वे अपने हिस्सा को सेल कर देते हैं बेच देते हैं अब इस आधार पर आप देखिएगा कि भारत सरकार ने जिस तरह से इसके अनाउंसमेंट करती है उसको लेकर के बिक्री ऑफर फॉर सेल जो था उसके जरिए हमने देखा कि 27 और 28 अगस्त 2020 को स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग से विंडो का निर्माण किया जाता है ख़ास तौर पे इसे बेचने के लिए और इसका जो ओ एफ एस है ऑफ़र फॉर जो सेल की हमने चर्चा किया इसका जो फ्लोर प्राइस है उसको रखा गया एक हज़ार एक प्रति शेयर इसके लिए तय की गई कि प्रति शेयर जो होगा एक हज़ार एक रुपया उनको इक्विटी शेयर पर उनको देना होगा दूसरी बात कि ये जो बेचने की जो प्रक्रिया हमने फ्लोर प्राइस कंपनी के आधार पे रखा या ओ एफ एस के जो रखा इसके तहत क्या होती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने तरफ से कर सकते हैं और अपनी जो उनकी शेयर होती है उसको बेचकर कंपनी में वो अपनी जो हिस्सेदारी होती है उनकी जो शेयर होता है उसको सबसे पहले वो कम कर लेते हैं चूँकि हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने तीन करोड़ चौंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ पचास जो इक्विटी शेयर है उसको बेचने का प्रस्ताव रखा था फिर उसे पॉइंट याद कीजिएगा सरकार एक योजना रखी थी सरकार के एक प्रोपोजल था कि तीन करोड़ चौंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ पचास इक्विटी शेयर सरकार बेचने का एक प्रस्ताव लाया था तो आ, प्रोपोजल लाई थी जिसमें से कंपनी को दस परसेंट पेडअप शेयर कैपिटल है जिसमें से आप कर सकते हैं पांच परसेंट एडिशनल शेयर है और वो पांच परसेंट जो एडिशनल शेयर होता है उसकी वेल्यू होता है एक करोड़ सड़सठ लाख यानी वन करोड़ सिक्सटी सेवन लाख नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव इक्विटी शेयर इन द अदर सेंस वी कैन से ओवर सब्सक्रिप्शन ऑपरेशन या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस वी कैन से बेचने का भी उन्होंने विकल्प को लाया था ये पूरे पेनोरमा को आप देखिएगा तो वर्तमान की स्थिति में आप देखेंगे तो वर्तमान में कंपनीज में सरकार की जो हिस्सेदारी अभी हमने बताया 89.97 परसेंट लगभग 90 परसेंट है और कंपनी ने फाइलिंग में कहा है अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है कि ऑफ़र साइज का जो होगा वो ट्वेंटी परसेंट जो होगा खुदरा निवेशक जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलेंगे तो बीस परसेंट जो होगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा और पच्चीस परसेंट जो होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट जो होगा वो म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व रहेगा इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहीं यदि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको कट ऑफ जो कॉस्ट होगा या जो प्राइस होगा कट ऑफ कॉस्ट ऑफ़ प्राइस पर उनको पाँच परसेंट की डिस्काउंट देने की बात हो रही है जो ऑफर शेयर एलोकेशन के जरिए दिया जाएगा तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं डेटा को ये डेटा से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जो कंट्रीब्यूशन हो रही है या कह सकते हैं इकोनॉमी उनका एक नया इनोवेटिव रूप में उतरने का जो एक संकल्प कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए आप कह सकते हैं लिबरल फॉर्म पे आ रही है जिससे कि दोनों का कोलैबोरेशन से चलाया जा सके लेकिन ये प्रश्न होता है कि जिन्होंने देश को यूनिक चीज़ों को दिया ए यूनिक चीज़ के बावजूद जब ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं इस पीरियड में भी हमने 2020 में भी देखा कि इनकी जो टोटल जो इक्विटी था वो हमने देखा कि 13,215.12 करोड़ का था जो हमारा अमेरिकन डॉलर का 1.9 बिलियन था फिर हमने इसका टोटल यदि हम इनकम की नेट इनकम की बात करें तो अट्ठाईस करोड़ था जो हमारा चार मिलियन अमेरिकन डॉलर में था टोटल एसेट्स की बात करें तो तिरपन करोड़ था जो हमारा अमेरिकन डॉलर का सेवन पॉइंट फोर बिलियन था 2020 में ओवरऑल रिवीन्यू भी हमने अच्छा देखा थ्री बिलियन डॉलर था तो ओवरऑल सारे चीजों को यदि देखा जाए तो ईच एंड एवरी फैक्ट्स वॉज इन पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ इट गवर्नमेंट अनाउंसड दैट फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स स्टैक वन टू सेल थ्रू ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल तो ये रहा भारत सरकार की एच ए एल में पंद्रह परसेंट अपने शेयर का बिक्री ठीक इसी के साथ फिर कोई एक नए टॉपिक लेके आएंगे जो करंट का रहेगा और इकोनॉमी का बेस होगा जय हिंद थैंक यू